आजकल जो अगली पीढ़ी है वो पीढ़ी में बड़ी समस्या हो रही है, वो पीढ़ी ठीक नहीं है। और जब पीढ़ी ठीक नहीं है तो उस पीढ़ी के सुधार पर चर्चा होनी चाहिए कि पीढ़ी में आखिर क्या क्या गड़बड़ियां हैं और उस पीढ़ी को कैसे सुधारा जाए। ऐसा आक्षेप करती है पिछली पीढ़ी कि अगली पीढ़ी बिगड़ी हुई है, ये हर पीढ़ी करती है। अच्छा मुझे ये बताओ, तुमसे पहली पीढ़ी क्या तुमसे शिकायत दर्ज नहीं कराती थी? क्या तुम्हारी पीढ़ी, मैं अपनी पीढ़ी की बात कर रहा हूं, जो मेरी उम्र के लोग, जो 40-45 साल के लोग हैं, उनसे जो पिछली पीढ़ी है अगर उस पीढ़ी से पूछें कि ये पीढ़ी कैसी है तो कह जी वो दिन तो नहीं। ठीक है, लेकिन वो बात तो नहीं है जो हमारे जमाने में थी। और जो मुझसे पिछली पीढ़ी है, जो 60 साल के, उनसे पिछली पीढ़ी वालों से पूछो तो उन्हें 60 साल वाली पीढ़ी में भी दोष दिखाई देता है। आखिर ऐसा क्यों है कि हमें अगली पीढ़ी में दोष दिखाई देता है? आखिर ऐसा क्यों है कि आने वाली जनरेशन हमें सुहावनी नहीं लगती, इसमें हमें अच्छी चीजें दिखाई नहीं देती, ये सब गुंडे बदमाश दिखाई देते हैं? आओ समझने का प्रयास करते हैं कि ऐसा क्या है। अच्छा मेरे एक प्रश्न का उत्तर दो, एक प्रश्न का उत्तर देना बुद्धि से, मेरी ओर देखो, मेरे प्रश्न का उत्तर दो। क्या उस आदमी का भविष्य कभी सुधर सकता है जिसका वर्तमान बिगड़ा हुआ हो? हाँ ना बोलो। एक आदमी कहता है वर्तमान तो बिगड़ा रहेगा, वर्तमान की चिंता मत करो, तुम भविष्य सुधारो। जिसका वर्तमान बिगड़ा हुआ है उसका भविष्य सुधर? जो वर्तमान में शराब पीता है भविष्य में उसकी किडनी ठीक रहने वाली? वो कहता है जी भविष्य में मेरी किडनी अच्छी रहे, आज मुझे पीने दो, हैं? आज तो मुझे पीने दो, भविष्य में मेरे फेफड़े ठीक रहे, मेरी किडनी ठीक रहे, मेरे शरीर में कोई समस्या ना हो, क्या ऐसा हो सकता है? तो सुनो फिर, आने वाली पीढ़ी में यदि बीमारी है इसका कारण वर्तमान की पीढ़ी है। आने वाली पीढ़ियों में अगर कोई दोष है इसका दोषी कौन है? अगर मेरी बेटी मेरा बेटा बिगड़ रहा है तो उसका दोषी कौन? उसका दोषी मैं हूं। समझने का प्रयास करना इस बात को, उसका दोषी मैं हूं। और इसके लिए जरूरी है कि हम अपने आप को सुधारें। बच्चों का लालन पालन कैसे होता है ये सीखने की जरूरत है। तुम सुनो रे, इनकी तो बीत गई, इन्होंने तो जो करना था वो कर दिया, इनके वाले तो खूब सड़क पे खड़े होके नाच रहे हैं, तुम ही तो हो इनके वाले तो सड़क पे खड़े होके नाच रहे हैं, कह रहे हट जाता हूं पाछे ने नाचण दे जी भर के। इनके इनके वालों का तो जो बनना बिगड़ना था वो बन बिगड़ लिया, अब तो तुम सुनो कि तुम्हें अपनों को कैसे सुधारना है। अभी लजा जाओगे, अच्छा मेरे बच्चे होंगे, होंगे भाई होंगे, हम भी लजाते थे, बच्चे तो सबके होते हैं, हमारे हुए तुम्हारे भी होंगे, हैं? इसमें कोई शक नहीं है। और ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है, जिसके बच्चे नहीं होते हैं वो बुरी बात है। वो प्रयास करते हैं, सर्जरी करवाते हैं, नाना प्रकार के पैसे खर्च करते हैं, तब जाकर बच्चे प्राप्त करते हैं। तो तुम सुनो कि बच्चों को कैसे सुधारा जाता है। तुमने घड़ा बनाते हुए किसी कुम्हार को देखा है? देखा कैसे बनाता है घड़ा बनाते हुए कुम्हार? अच्छा अगर तुमने सच में किसी कुम्हार को घड़ा बनाते हुए नहीं देखा तो कभी जाकर देखना, टीवी पर मोबाइल पर ढूंढना, वहां देखना कि वो घड़ा कैसे बनाता है। ध्यान से देखो तो वो जो मिट्टी है उस मिट्टी में वो इतना स्नेह पैदा कर देता है, इतना इतना श्लेष्म पैदा कर देता है कि वो मिट्टी एकदम ऐसी हो जाती है नरम और मुलायम, इतना पानी मिला देता उसे, एकदम यूं यूं गिर जाती है वो, ऐसी होती है जैसे मुलायम आटा, जैसे माँ रोटी गूंथने से पहले आटा बनाती है, ऐसी मिट्टी होती है। और उस मिट्टी को लेकर वो जब चाक पर रखता है, चाक को तेज तेज घुमाता है तो बहुत कोमल हाथों से उसे आकार देता है, वो उस पर कोई थपेड़ा नहीं मारता, उसे रत्ती भर कष्ट नहीं देता, वो भरसक प्रयास से इस घड़े को केवल शेप देना चाहता है।
क्या देना चाहता है? आकार देना चाहता है, भरसक प्रयास से इतना सा ठसक नहीं लगने देता। अगर उसका हाथ भी कठोरता कर बैठे गलती से तो उसे सुधारता है कि कठोरता ना हो जाए, बहुत प्रेम से उसे आकार दे देता है। और जब घड़ा आकार ले लेता है तब वो क्या करता है? तब एक तेज धार वाला धागा लेता है, तेज धार वाला धागा, और उस धागे से बड़ी निर्ममता से चाक से इस घड़े को अलग कर देता है, काट देता है, अलग कर देता है। अब ये घड़ा अलग हो गया, अब इस घड़े को बहुत कठोरता के साथ अग्नि में डाल देता है और अग्नि में तपते हुए देखता है। अब तक ये इतना स्नेह कर रहा था कि इसने इसे थपक नहीं लगने दी, लेकिन अब इसे इस पर कोई दया नहीं, कोई ममता नहीं है। ये इसे अग्नि में डाल देता है और इस अग्नि में तपने देता है, और तपकर जब घड़ा तैयार होता है तब वो देखता है कि घड़ा एकदम पक्का घड़ा बना है। अगर उस घड़े को वो अग्नि में ना डाले, दया करे, हाय मेरा घड़ा मैं कैसे आग में डाल दूं, इतने प्यार से मैंने इस घड़े को बनाया है, आग में कैसे डाल दूं, आग इसे जला देगी, इसकी मिट्टी के अंगों को जला देगी, और वो उस घड़े को आग में न डाले तो घड़े का क्या होगा? भाई बोलो, भाई रंग पेंट करके उस घड़े को, उसी कच्चे घड़े को रंग पेंट करके मार्केट में बेचने जाए और लोगों से कहे ये कच्चा घड़ा है, मैंने बड़े प्यार से इस घड़े को बनाया है, आग में नहीं पड़ने दिया, कोई उस घड़े को खरीदेगा है? एक भी आदमी खरीदेगा उस घड़े को? देखेगा भी नहीं उस घड़े की तरफ, क्या कहेगा? ये जो रंग पेंट किया हुआ कच्चा घड़ा है, ये संसार में किसी के काम का? अच्छा बता दो, ये पानी को ठंडा करेगा? बोलो भाई, अच्छा ये घड़े में अगर पानी भरकर रख दें तो कितनी देर रखा रहेगा? बस टूट जाएगा। भरकर रखोगे वो पानी सोख लेगा और टूट जाएगा, लेकिन पक्का घड़ा सालों साल चलता है, संसार के सुख का कारण बनता है। ठीक ऐसा ही एक बालक होता है, एक बालक बिल्कुल ऐसा ही होता है। एक बालक का निर्माण बालक स्वयं नहीं करता। जिन्हें ये शिकायत है कि मेरे बालक बिगड़ रहे हैं, इसका मतलब है कि उन बालकों को बालक बिगड़ रहे हैं या हम बिगाड़ रहे हैं, इसका मतलब है बालकों को, बालक तो भविष्य है और तुम वर्तमान हो, इसका मतलब उस भविष्य को कौन बिगाड़ रहा है? वर्तमान बिगाड़ रहा है। वो उस बालक के साथ वो व्यवहार नहीं करता जो एक कुम्हार अपने घड़े के साथ करता है। ऋषि लोग कहते हैं कि जब तुम्हारे बच्चे छोटे हों तो उनके साथ कभी अपशब्दों का और ताड़ना का प्रयोग नहीं करना चाहिए, उन पर क्रोध न करें, मारे पिटे नहीं, गालियां वालियां नहीं दें। अभी तो क्या करना है? अब इस घड़े को तैयार करना है। कैसे तैयार होगा? लाड़ से तैयार होगा। कुत्ता, ये नहीं करना बच्चे के साथ, ये बिल्कुल नहीं करना। तुमने ये किया, उसने सीखा, वो इतनी तेजी से सीखता है, क्या तुम यकीन कर सकते हो कि एक छोटा बच्चा प्रतिदिन 400 शब्द सीखता है? छोटा सा बच्चा होता है साल डेढ़ साल का, प्रतिदिन 400 शब्द सीखता है। असल बात यह है वो बोलना स्पष्ट नहीं जानता, पर जब उसकी माँ कहती है ना मम पिएगा तो वो मन में हंसता है, अरे पानी को मम बोल रही है, क्योंकि वो सीख चुका है कि ये पानी है, ये जल है। वो जल जानता है, पानी जानता है, पर माँ उसे सिखाने का प्रयास करती है, माँ उसके लेवल पर जाकर उसे सिखाने की कोशिश कर रही। आपको करना यह है उस समय उसके साथ कठोरता नहीं बरतना, बहुत प्रेम से इसे पढ़ाना, बहुत प्रेम से इसे सिखाना है। किस चीज के लिए तैयार करना है? इसे आकार देने के लिए। क्या करने के लिए? आकार देने के लिए। और जब आकार दिया जाता है तो उस आकार देने में किसी प्रकार की कोई कठोरता नहीं बरती जाती। अब बालक जब तैयार हो जाता है तब उस बालक को क्या करना है? एक तेज धारदार धागे से इस कुल से काट देना है। कुल में रहता है ना, घर में रहता है, घर से अलग करना, और घर से अलग करके इसे कहां डालना है? इसे आग में डालना है, और वो आग है गुरुकुल। वो आग कहां है? वो गुरुकुल है, और वो धागा है तुम्हारा इस बालक के प्रति, इसके निर्माण करने की निष्ठा, इस निर्माण के निष्ठे के निष्ठा के धागे से तुम्हें इस बालक को कुल से अलग करना है। जो अपने बालक को छाती से लगाए रखते हैं, हाय मेरा बच्चा, ये तो पांव गंदे हो जाएंगे,
हैं? क्या काल था और ये क्या काल है? एक काल था जब जीजामाई शिवाजी महाराज को तैयार करती है, और एक काल है आज जब एक कन्या अपने बच्चे को तैयार करती है। बालक गोद में से नीचे उतर कर गया, चींटी देख ली, नो नो बेटा नो, उसे डरा देती। वो चींटी से डरता है, वो छोटी छोटी चीजों से डरता है, उसे चीजों का सम्यक ज्ञान नहीं देती है। उसे कहते हैं तेरा तो ब्याह कराएंगे। लड़की होगी तो छोटी सी लड़की का श्रृंगार करते हैं, करते हैं क्या? यहां बिंदी लगाते हैं यूं आंख के ऊपर, जैसी दुल्हन की लगाई जाती है। उसे साड़ी पहनाते हैं, उसे ब्रह्मचर्य की सूचना नहीं दे रहे हैं, उसे उससे अगले आश्रम की सूचना दे रहे हैं। और क्योंकि आश्रम आया नहीं है तो इस आश्रम में उस आश्रम का अतिक्रमण व्यभिचार कहलाता है, तो उसे व्यभिचार की शिक्षा दे रहे। उस बालक का निर्माण करना तो दूर, और उस बालक को क्या कर रहे हैं? बिगाड़ रहे हैं। अब ध्यान से सुनो, हमारी संस्कृति में एक नियम बनाया गया है कि बालक का योग्यता अनुसार गुरुकुल में प्रवेश होता है। यहां प्रवेश ऐसे नहीं होता, स्कूल में जाओ तो तुम्हारी जेब में पैसा है, चाहे जिस स्कूल में प्रवेश करा दो, बोलो हाँ के ना, मुंडी हिलाओ। जिसके पास पैसा है वो किसी भी स्कूल में प्रवेश करा सकता है। खान अपने लड़के को, अपने भंगेड़ी को, अपने नशेड़ी को रेयान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन घसीटू अपने लड़के को टाट पट्टी के स्कूल में पढ़ाता है। अंतर किस चीज का है? अंतर पैसे का है। अंतर है पैसे का। शाहरुख खान के पास पैसा है इसलिए वो रेयान इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ाता है, लेकिन घसीटू के लड़के के पास, घसीटू के पास पैसा नहीं है इसलिए वो अपने बच्चे को खिचड़ी स्कूल में भेजता। ये अंतर। लेकिन उस काल में जब यहां गुरुकुल चलते थे, चलते आज भी, तुम्हारे लिए वो काल नहीं है क्योंकि तुम गुरुकुलों की तरफ जाते नहीं। तुम तो ए फोर एप्पल, बी फोर बॉल, सी फोर कैट और डी फोर डंकी बन गए हो, तो तुम्हें गुरुकुल दिखाई नहीं देते। जब गुरुकुल में जाते थे तो गुरुकुल में प्रवेश का नियम होता था, और प्रवेश का नियम है कि योग्यता वाले छात्र को ही प्रवेश दिया जाएगा। कैसे छात्र को प्रवेश दिया जाएगा? इसीलिए नियम था कि ब्राह्मण का पुत्र 8 वर्ष का, क्षत्रिय का पुत्र 10 वर्ष का, और वैश्य का पुत्र 12 वर्ष का गुरुकुल में प्रवेश पाता था। जब प्रवेश लेने जाता तब आचार्य परीक्षा लेता कि यह गुरुकुल में रहने के लायक है या नहीं, रहने के लायक है या नहीं। अब एक माँ अपने बच्चे को गुरुकुल के लायक तैयार कर रही है, वो उसे बड़ों के चरण स्पर्श करना सिखाती है, वो भोजन के लिए सम्मान करना सिखाती है, वो जानती है कि पुस्तक का सम्मान कैसा है, वो जानती है कि समाज में व्यवहार कैसे करना है, वो उस व्यवहार को इसे सिखा रही है। लेकिन एक बालक बच्चे को सिखा रही है, एक माँ अपनी कन्या को सिखा रही है कि नाम जलेबी बाई। ये मैंने अपनी आंख से देखा, मैंने अपनी आंख से देखा। एक घर में मैं गया तो बोली जी हमारी बच्ची बहुत अच्छा नाचती है, और उसने मुझसे पूछे बिना कि मैं नाच देखना चाहता हूं या नहीं चाहता, चालू हो गई, बेटा डांस करो। और उसने कहा नाम, बच्ची ने अपने मुंह से कहा जलेबी बाई। ये बच्चे को तैयार कर रही है। ऐसा बच्चा गुरुकुल में प्रवेश लेने के लायक नहीं है, इसलिए आचार्य मना करता है। आचार्य कहता है पहले इसे गुरुकुल के लिए तैयार करके लाओ, जब ये गुरुकुल के लिए आकार ले ले पूरा का पूरा, तब इसे काटना और तब गुरुकुल में भेजना। जब तक तुम इस बच्चे को गुरुकुल के लायक तैयार नहीं कर देते, अच्छा कोई भी गुरुकुल में प्रवेश ले लेगा। ये सोचो, क्या शिक्षा का अधिकार सबको होना चाहिए? जो शिक्षा ग्रहण ही नहीं कर सकता क्या उसे शिक्षा का अधिकार होना चाहिए? विचार करके देखो। अच्छा ये बताओ, जो आदमी अच्छा पति नहीं हो सकता, अच्छी पत्नी नहीं हो सकती, क्या इसे गृहस्थ में जाने का अधिकार है? मुंडी हिलाओ भाई, है क्या इसे? अच्छा जो आदमी अच्छा सन्यासी नहीं हो सकता, क्या इसे सन्यास लेने का अधिकार होना चाहिए? जो अच्छा वानप्रस्थी नहीं हो सकता, तो क्या उसे अच्छा वानप्रस्थ लेने का अधिकार होना चाहिए? तो सोचो, जो पढ़ नहीं सकता, क्या उसे गुरुकुल में प्रवेश का अधिकार होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। इसे तैयार करो, जब तक ये तैयार नहीं होता तब तक गुरुकुल में प्रवेश लेने के लायक नहीं है, जब तैयार हो जाता है तब इसे गुरुकुल में छोड़ दो।
गुरुकुल में जाकर माता पिता फिर आचार्य से कहते हैं, आजकल के जो गुरुकुल होते हैं उन गुरुकुलों में माता पिता जाकर कहते हैं जी हमारा एक ही है, तो इसमें मेरी क्या गलती? भाई तुम्हारा एक है, इसमें गलती मेरी क्या है? हम तो कहते हैं 10 उत्पन्न करो, तुम 10 नहीं करते तो 9 कर लो, 9 नहीं करते तो 8 करो, 8 नहीं तो 7 करो, 7 नहीं तो 6 करो, 6 नहीं तो 5 करो, 5 नहीं तो 4 करो, 4 नहीं तो डूब मरो। भाई इससे नीचे तो मत जाओ। अगर तुम 4 भी नहीं करोगे, अगर 4 बच्चे भी तुम पैदा नहीं कर रहे हो, तब तो यही कहोगे जी मेरा अकेला है। तब इसे अंडे की तरह सेओगे, और जो अंडे की तरह सेया जाता है वो सिंह नहीं बनता, वो मुर्गी बनता है। अंडे की तरह सेने से मुर्गी तैयार होती है, सिंह तैयार नहीं होता है। फिर तुम कहते हो कि हमारे बालक बिगड़ रहे हैं। बालक जब गुरुकुल में चला जाता है तो गुरुकुल में जाकर इस बालक का, अच्छा ये बताओ यहाँ जितने लोग बैठे हैं, बड़े लोग जितने बैठे हैं, गृहस्थ लोग, हाथ खड़े करके मुझे बताओ जिनके बच्चे हैं और बड़े हो गए हैं, हाथ खड़े करके बताओ जिनके बच्चे गुरुकुलों में पढ़े। चलो आपकी गलती नहीं है उसमें। अच्छा आप दूसरी बात बताओ, फिर हाथ खड़े करो ऐसे लोग जिन्होंने गुरुकुल का नाम सुना है मुझसे पहले, इस समय से पहले हाथ खड़े करो जिन्होंने गुरुकुल का, अरे हाथ खड़े करो जिन्होंने गुरुकुल का नाम सुना है, जिन्होंने नहीं सुना वो हाथ नीचे रखो, ठीक है हाथ नीचे करो। सबने गुरुकुल का नाम सुना है, सब गुरुकुल को जानते हैं, बड़ी समस्या यही क्या हमने अपने बच्चे को गुरुकुल में नहीं भेजा, और हम कहते हैं संस्कृति बिगड़ रही है। जब तुमने उसे भेजा ही वहां है जहां संस्कृति है ही नहीं, तो फिर बिगड़ेगा कौन? संस्कृति कहां खराब होगी? संस्कृति तो तुम खराब कर रहे हो। ये जो बालक पीछे बैठे हैं ना, ये जब वहां ब्याह में डीजे पर सड़क पे नाचते हैं, तो वो इनकी गलती नहीं है। वो गलती किसकी है? वो गलती हमारी है। जब हम अपने बालक को हाथ पकड़कर उस स्थान पर लेकर नहीं जा रहे हैं जहां बालक का निर्माण होना है, हमने तो अपने बालक को अच्छा व्यापारी बनाना चाहा है, हमने अपने बालक को अच्छा इंजीनियर बनाना चाहा है, हमने अपने बालक को अच्छा डॉक्टर बनाना चाहा, हमने अपने बालक को अच्छा साइंटिस्ट, अच्छा राजनेता बनाना चाहा। ईमानदारी से बताओ तुम में से कितने लोग हैं जिन्होंने शिक्षा में प्रवेश दिलाते हुए ये सोचा कि कल मेरा बच्चा एक अच्छा गृहस्थ बनेगा, एक अच्छा पति बनेगा, एक अच्छी पत्नी बनेगी, एक अच्छा माता बनेगी, एक अच्छा पुत्र बनेगा, एक अच्छा पिता बनेगा? हमने बनाना चाहा? जब बनाना नहीं चाहा तो बनेगा कहां से? तुम बना रहे हो तांबू तंबाकू भरने वाली चिलम और कह रहे हो घड़ा नहीं बन रहा है। अरे तुम बना ही चिलम रहे हो, घड़ा बनेगा कहां से? घड़ा तो तब बनेगा जब तुम उसे आकार किसका दोगे? घड़े का दोगे। तुमने उसे आकार किसका दिया है? चिलम का दिया है। इसमें तो तंबाकू ही फूकेगा, इसमें तो तंबाकू ही फूकने वाला है, इसमें इसमें पानी ठंडा होने वाला नहीं है, शीतलता देने वाला नहीं। इसलिए आवश्यकता थी कि शिक्षा के उद्देश्य को ठीक से समझते। 100 से अधिक देशों में देखा जाने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय और सबसे अधिक फॉलोअर्स के साथ पूरी दुनिया में आर्य समाज के विचारों का प्रचार करने वाला एकमात्र चैनल वैदिक प्रचार।